हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम न होने के कारण कई सारे स्टूडेंट्स की जॉब पर यहां पर संकट उत्पन्न होने वाला है। जी हां दोस्तों, प्लेसमेंट पर संकट उत्पन्न होने वाला है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षाओं की वजह से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो अटकी हुई है। फिलहाल क्या है पूरी न्यूज़, चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम ना होने से प्लेसमेंट पर संकट के बादल। आज की जो न्यूज है कानपुर डिस्ट्रिक्ट से, आप यहाँ आसानी से देखने के लिए मिल रहा होगा, HBTU के स्टूडेंट्स को कंपनियों से जल्द जॉब ज्वाइन करने की मिले नोटिस, लेकिन अभी तक फाइनल ईयर की परीक्षाएँ संपन्न ना हो पाने के कारण कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। हरकोट वटला टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि HBTU में लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल प्लेसमेंट देने वाली कंपनियों ने स्टूडेंट्स को जॉब ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें कंपनियों का नोटिस मिल गया है। नोटिस में पूछा गया है कि आखिर कब तक स्टूडेंट्स अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी समय सीमा बताएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अभी तक फाइनल ईयर की परीक्षा ना करा पाने के कारण अब स्टूडेंट्स के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने वाली हैं। मई में लास्ट ईयर के एग्जाम होने थे पर COVID-19 के आउटब्रेक बढ़ने से नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही 90% का प्लेसमेंट हो चुका है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स ने कंपनियों के ईमेल को HOD और प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों को भेजा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस संबंध में मंडे को शासन को लेटर लिखा है। HBTU में इस साल लास्ट ईयर के 90% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हो चुके हैं। उन्हें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की कंपनियों ने स्टूडेंट्स को बेहतर प्लेसमेंट पर चयनित किया है। इसके साथ ही HBTU के BC प्रोफेसर NB सिंह का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जायज है, उनके एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से निर्णय का इंतज़ार है, कंपनियों से कुछ दिन का समय मांगा जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परीक्षाओं के निर्देश दिए जाते हैं, उसके बाद आपके जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच for watching this video.